رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. सामने सूरह अल अहज़ाब की जो आयत तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया कि ऐ पैगंबर, आप अपनी अजवाज मुतहरात को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को हुक्म दें कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर लटकालियाँ करें। ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين, इससे ये होगा कि वो कि वो शरीफ खवातीन हैं, फला युज़ैन, तो मुआशरे में उन्हें कोई सताएगा नहीं, तकलीफ नहीं देगा। वकान अल्लाह गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला अब तक तुमसे जो गलतियां और कोताहियां हो चुकी हैं उन्हें माफ़ करने वाला मेहरबान है। इस आयत के तर्जुमे से या तर्जुमानी से आपने मुलाहजा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में पर्दे का हुक्म दिया है। देखिए, औरत एक ऐसी मखलूक है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी नज़ाकत रखी है। उसके ज़ाहिर में नज़ाकत है, उसके लिबास में नज़ाकत है, उसके ज़ेवरात में नज़ाकत है, उसकी आवाज़ में नज़ाकत है। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि औरत अपनी इस नज़ाकत को, जो कि उसकी ज़ीनत है, हर किसी के सामने ज़ाहिर ना करे, बल्कि छुपाए। वो चाहे बुरक़े की शक्ल में छुपाए या चाहे किसी चादर की शक्ल में छुपाए। जीनत को छुपाना पर्दा कहलाता है, जिसमें हर तरह की जीनत छुप जाए, आवाज़ की जीनत छुप जाए, जेवरात की जीनत छुप जाए, जिस्म और बदन की जीनत छुप जाए, लिबास की जीनत छुप जाए, खुशबू की जीनत छुप जाए। ये तमाम जीनतें जिस पर्दे, जिस बुरके में, जिस चादर में छुप जाती हैं, उसको शरई पर्दा कहा जाता है। वरना अगर कहने को तो कोई खातून बुरका पहनी हुई है लेकिन जेवरात की झनकार है या खुशबू लगाई हुई है और महक लोगों को उसकी जानिब मुतवज्जे कर रही है, तो ऐसी खातून बुरका पहनकर भी गोया बेपर्दा है। बुरका पहनकर भी ऐसी खातून बेपर्दा है। इसलिए इस्लामी पर्दे का बड़ा वसी तस्वूर है। औरत की आवाज़ पर्दा है, उसकी उसके जेवरात का पर्दा है, उसकी जो महक और खुशबू उसका पर्दा है, उसके बदन और जिस्म का पर्दा है, औरत की आवाज़ पर्दा है। कुरान मजीद ने उम्मातुल मोमिनीन से खिताब करके फरमाया, या निसा नबी लस्तुन्न कअहद मिनन निसाइन इत्तकैतुन फला तखदअन बिलकौल फयत्मअ अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद वक़ुलन क़ौलन मअरूफा। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। देखो, खिताब नबी की बीवियों से, अजवाज मुतहरात से खिताब करके कुरान मजीद कह रहा है, पहली बात तो तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। ये नबी की बीवियों का मुकाम और मर्तबा इससे मालूम हो रहा है। लेकिन आगे जो बात, फला तखज़ाना बिलकौल, कहा कि जब किसी अजनबी मर्द से बात करने का मौका आ जाए तो नर्म लहजे में बात नहीं करना। औरत की आवाज़ में अल्लाह ताला ने एक तरह की कशिश रखी है, निस्वानियत रखी है। तो लिहाजा औरत जब सबसे पहले तो बगैर किसी सबब के किसी अजनबी औरत से बात ना करें, और अगर बात करने का मौका आ जाता है, खरीदो फरोख्त करते हुए, लेन देन करते हुए
बात कर सकती है अजनबी मर्दों से औरत, लेकिन शर्त यह है फला तखदाना बिलकौल, नर्म लहजे में बोलेगी नहीं, बल्कि अपने लहजे में औरत को जरा सख्ती अपनानी चाहिए, ऐसी सख्ती कि थोड़ी देर के लिए सामने वाला ये सोचने लगे पता नहीं क्यों ये खातून इस कदर गुस्से में बोल रही है। हाँ वकुल कौलम मारूफा, ये सख्ती सिर्फ लहजे की हद तक हो, बात अपनी जगह सही हो, बात अपनी जगह दुरुस्त हो, सही बात कहा करो मगर जरा सख्त लहजे में कहा करो। इससे आप समझ सकते हैं कि औरत की आवाज भी पर्दा है। जब आम गुफ्तगू एक औरत अपनी फितरी आवाज में नहीं कर सकती अजनबी मर्दों के सामने, तो जरा सोचें किसी बालिग औरत की जबानी नज़में सुनना, भले से वह हमद और नात ही क्यों ना हो, सही कहां तक जायज होगा? इसलिए कि नज़मों में आवाज की निस्वानियत और बढ़ जाती है, आवाज की नज़ाकत और बढ़ जाती है नज़मों में। जब एक औरत अपनी फितरी आवाज में आम गुफ्तगू नहीं कर सकती मर्दों के सामने, तो फिर मर्दों के सामने औरत कहां से नज़में उसमें पढ़ सकती है जिसका कि आज हमारे मुआशरे में रिवाज हो पड़ा है। अहादीस में जहां भी औरतों के नज़्म पढ़ने का जिक्र आता है वहां इस बात की हमें सराहत मिलती है कि वो अशआर पढ़ने वालियां वो बड़ी ख्वातीन नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो अशआर पढ़ने वालियां अहदे नबवी में छोटी बच्चियां हुआ करती थी। हाँ एक औरत ऐसी जगह ऐसी मजलिस में जहां सिर्फ ख्वातीन हैं, जहां उसकी आवाज मर्दों तक नहीं जाती हो, वहां औरत नज़में पढ़ सकती है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकती है, लेकिन जहां उसकी आवाज मर्द सुन रहे हो औरत को ऐसी जगह नज़्म वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो औरत की आवाज पर्दा है, औरत की जेवरात का पर्दा है, औरत जो भी जेवर पहनती है उसकी झनकार उसकी आवाज ऐसी हरगिज हरगिज नहीं होनी चाहिए कि चलते हुए जिसकी आवाज आस पास के लोगों को उसकी जानिब मुतवज्जे करती हो। कुरानी मजीद ने कहा वला यद्रिबना बिअर्जुलिहिन्न लियुलिमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, औरतों को चाहिए ख़वातीन को चाहिए कि वो मटक मटक कर ना चलें, अपने कदम अपने पैर ज़मीन पे मार मार के ना चलें कि उससे वो जो पाजेब पहनी हुई हैं जो चैन पहनी हुई हैं उसकी आवाज़ उसकी झनकार और लोगों को उसकी जानिब मुतवज्जे करें। इसी में ऐसे जूते और ऐसे चप्पल भी आ जाएंगे जो आजकल ऊंची एड़ी के चप्पल आते हैं और औरत जब वो पहनकर चलती है तो उसकी आवाज़ सब लोगों को उसकी जानिब मुतवज्जे करती है। जेवरात का पर्दा है। औरत के लिए इजाजत नहीं कि वो बुर्का पहनकर निकले और बुर्के के अंदर जो है वो ऐसी खुशबू लगाई हुई हो, ऐसा परफ्यूम उसने इस्तेमाल किया है कि जिसकी महक सारी गली को मुअत्तर कर रही हो, नाजायज है, नाजायज है। अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को जो घर से निकलते हुए खुशबू लगा के निकलती है आपने बदकार औरत करार दिया है, आपने बदकार औरत करार दिया है, जिना करार दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों? जिना हर औज़ू का होता है, आंख का भी जिना होता है, कान का भी जिना होता है, जबान का भी जिना होता है। तो जो औरत खुशबू लगाकर निकल रही है वो अपनी अपनी फिक्र का जिना कर रही है, अपनी सोच का जिना कर रही है। इसलिए कि घर से निकलते हुए खुशबू लगाकर निकलने का मतलब ये है, उसकी सोच ये है, उसका इरादा ये है कि नऊज़ु बिल्लाह लोग उसकी जानिब मुतवज्जे हों, उसकी महक आजू बाजू और पड़ोस के लोगों को जो है देखने पर मजबूर करे उसकी जानिब। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को बदकार करार दिया है जो घर औरत घर की चार दीवारी में लगाए, घर की चार दीवारी में घर के अंदर रहते हुए जो खुशबू इस्तेमाल करना है करे, अपने वालिदैन के सामने अपने भाइयों के सामने अपने शोर के सामने उसकी इजाजत है, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए भले से वो मस्जिद जा रही हो या बाजार जा रही हो औरत को खुशबू से सख्त इज्तनाब करना चाहिए। इसीलिए हदीसों में फरमाया गया इन नतीब अर रिजाल मा ज़हरा रीहुहु व खफिया लौनुहु व तीब अन्निसा मा ज़हरा लौनुहु व खफिया रीहुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों की खुशबू में महक ज्यादा होना चाहिए और रंग कम होना चाहिए, जबकि औरतों की खुशबू में रंग ज्यादा होना चाहिए महक कम होना चाहिए। ज़ाफ़रान है, देखिए कितना अच्छा रंग है उसमें, मगर महक उसके अंदर कम होती है। आपने औरतों को ऐसी खुशबू की तलकीन की है जिसमें के रंग ज्यादा और महक कम हो। तो पर्दा इस वसी मफहूम में पर्दा होना चाहिए। इन तमाम चीजों का अगर कोई पर्दा करके निकले तो पर्दा है, वरना आज क्या सूरत हाल है। पर्दे के नाम पर आज जो बुरका इस्तेमाल किया जाता है वो बुरका खुद अपनी जगह एक जीनत बन गया है।
आज ऐसे ऐसे फैशनेबल बुर्के आ चुके हैं, 70-80 साल बूढ़ी पहनकर निकले ऐसे लगती है कोई 25-30 साल दोशीजा जा रही, नौजुबिल्ला। और ऐसे फैशनेबल बुर्के निकले हैं कि अलमान वल हफीज, जैसे किसी शायर ने कहा, काले बुर्के को भी एक फितने ताजा कहिए, काले बुर्के को भी एक फितने ताजा कहिए, पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए। आज के बुर्के ऐसे हैं कि उसकी जीनत को छुपाने के लिए मजीद उसके ऊपर एक और बुर्का पहनना पड़ेगा औरत को, जब बुर्का जो कि जीनत को छुपाने के लिए वो खुद जीनत बन जाए। तो लिहाजा पर्दे का सही तस्वूर यह है कि ऐसा पर्दा करे खातून कि जिसकी जीनत, हर तरह की जीनत छुप जाए, शरई पर्दा उसको कहते हैं। अब औरत को किन लोगों से पर्दा करना है, पर्दे का जब की जब बात आती है तो अमूमन तस्वूर यह है कि बाहर के जो लोग हैं, जिनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, रास्तों में चलने वाले, बस स्टैंड में रहने वाले, उनसे पर्दा करना है। और रिश्तेदारों से पर्दे का तस्वूर थोड़ी देर के लिए भी हमारे जहनों में नहीं आता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। औरत किन लोगों के सामने आ सकती है, किन लोगों के सामने अपनी जीनत का इजहार कर सकती है, कुरानी मजीद ने बता दिया। जो सूरह नूर की आयत है, जो भी मैं बता रहा हूं, इस आयत में जो रिश्तेदार मजकूर हैं, इनके अलावा जो रिश्तेदारियां हैं, उनके सामने औरत अपनी जीनत जाहिर नहीं कर सकती। कुरानी मजीद बताता है, कहता है औरत किन के सामने अपनी जीनत जाहिर कर सकती है। कुरान ने कहा वला युब्दीन ज़ीनतहुन, औरत अपनी जीनत को जाहिर ना करे मगर इन लोगों के सामने, किन लोगों के सामने, इल्ला लिबुउलतिहिन, शोहर के सामने। शोहर के सामने हर तरह की जीनत का इजहार जायज है। औ आबाएहिन, अपने बाप के सामने, बाप के सामने भी औरत अपनी जीनत जाहिर कर सकती है। औ आबाए बुउलतिहिन, या अपना खुसर, शोहर का जो बाप होता है खुसर, औरत उसके सामने भी बन सवर के आ सकती है, अपनी जीनत का इजहार कर सकती है। औ अबनाएहिन, अपने बेटों के सामने भी औरत, बेटे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, उनके सामने भी अपनी जीनत जाहिर कर सकती है, बन सवर के आ सकती है। औ अबना इबूलतिहिन, शोहर के बेटे हैं, यानी उसके शोहर की कोई दूसरी शादी हुई थी, उससे कोई औलाद है, औरत उनके सामने भी, चूंकि सौतेली औलाद है, उनके सामने भी बन सवर के आ सकती है, जीनत जाहिर कर सकती है। औ इख्वानिहिन, भाइयों के सामने आ सकती है। औ बनी इख्वानिहिन, भतीजों के सामने आ सकती है, भाई के जो बच्चे होते हैं। औ बनी अखावातिन, बहनजों के सामने आ सकती है, इसलिए कि खाला होने की हैसियत से अपनी बहनजों के सामने इजहार जीनत हलाल है। औ निसाएहिन, या अपनी मेलजोल की औरतें। औ मा मलकत अईमानुहुन, या औरत के अपने जो गुलाम होते हैं, जिन्हें उसने अपने पैसों से खरीदा होता है, या उसकी मिल्कियत के गुलाम हैं, उनके सामने भी औरत जीनत जाहिर कर सकती है। अब التابعين غير اولي الاربة من الرجال, या ऐसे नौकर चाकर मर्द जो शहवत ना रखते हो, उनके सामने भी औरत जीनत जाहिर कर सकती। मसलन कोई मर्द है मगर खोसट बूढ़ा है, जो बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका है, बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका है, उसके सामने जीनत का इजहार जायज है। या इसी तरह कोई ऐसा मर्द है कि जिसके अंदर शहवत ही नहीं है, फितरी तौर पर माजूर है, मजबूर है, ऐसे मर्द के सामने भी औरत इजहार जीनत कर सकती है। अब الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء, इसी तरह औरत ऐसे बच्चे सोसाइटी और मुआशरे के, जो अभी ये औरत की जो खुफिया बातें होती हैं, जिनसी मामलात होते हैं, जिनसी मामलात से वाकिफ ना हुए हों, ऐसे बच्चों के सामने भी औरत आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बच्चे ऐसे हों जो बालिग होने से पहले नौजुबिल्ला जिनसी मालूमात सब उनको हो चुकी हैं, तो ऐसे बच्चों के सामने भी औरत को अपनी इजहार जीनत से बचना चाहिए। इस सदी के बच्चे, जिस सदी में हम और आप जी रहे हैं, हमारी इस सदी के बच्चे इस कदर एडवांस हैं, नौजुबिल्ला कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से इस कदर मालूमात वो रखते हैं कि वलियाजुबिल्ला हम क्या कहें, बस अवकात शादीशुदा जोड़े भी इन उन बातों से वाकिफ नहीं रहते हैं। आज ज़माना इस कदर बेहया हो गया है, आज इस कदर उरियानियत फैल चुकी है। तो अगर बच्चे ऐसे हैं कि वो अभी बबलूगत से पहले ही वो जिनसी उमूर से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, तो औरतों को चाहिए उनके सामने भी इजहार जीनत से बचें। देखो ये चंद रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारियां हैं, जिनके सामने इजहार जीनत की इजाज़त शरीयत ने दी है। अब इनके अलावा जो भी रिश्तेदार हैं, दूसरी आयतों से मालूम होता है, मामू और चचा, मामू और चचा
उनके सामने भी औरत बिल्कुल जाहिर हो सकती है, इजहार जीनत कर सकती है। इनके अलावा जो रिश्तेदार हैं, सबसे पर्दा है। जिन रिश्तेदारियों का इस आयत में तज़किरा नहीं, उन सबसे पर्दा है। मैं आपसे पूछता हूं, खालाजात भाई का जिक्र है इस आयत में? मामूजात भाई का जिक्र है इस आयत में? चचाजात तायाजात भाई का जिक्र है इस आयत में? फूफीजात भाई का जिक्र है इस आयत में? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इन सबसे पर्दा लाजिमी है। एक औरत को अपने तायाजात भाई से, चचाजात भाई से, खालाजात भाई से, मामूजात भाई से, फूफीजात भाई से सबसे शरान पर्दा करना है। आज बड़े अफसोस का मुकाम है, बड़े अफसोस का मुकाम है हमारे मुआशरे में जो जाहिली तस्वुरात हैं उनमें से एक ये भी। किसी से कहा जाता है अपने चचाजात भाई से पर्दा करने, या चचाजात बहन से पर्दा करने के लिए कहा जाए, या मामूजात भाई से पर्दा करने के लिए कहा जाए, मामूजात बहन से पर्दा करने के लिए कहा जाए, सब लोग हैरत और इस्तेजाब से देखते हैं। बल्कि बसा औकात जो शख्स ऐसी बातें करता है उसको ताने देने लगते हैं, ये तो भाई बहन है, भाई बहन है। याद रखना, शरीयत ने जिन जिन लोगों से पर्दा करने का हुक्म दिया है, अगर उनसे पर्दा नहीं किया जाता है, मुआशरे में बड़ी अखलाकी बुराइयां आम होंगी। और खुसूसन हमारे मुआशरे में दो रिश्ते ऐसे हैं जो बड़े नाजुक हैं, बड़े नाजुक हैं दो रिश्ते। और बड़े अफसोस के साथ इन दो रिश्तों ही में सबसे ज्यादा बेतकल्लुफी पाई जाती है। एक रिश्ता है देवर और भावज का, जेठ और भावज का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया देवर के बारे में, आपने फरमाया अलहम व अलमौत, अलहम व अलमौत। आपने फरमाया कि जिस तरह से मौत से डरा जाता है, औरत को अपने देवर से उसी कदर डरना चाहिए, अलहम व अलमौत। लेकिन आज अफसोस है कि आज देवर और भावज में हंसी मजाक, छेड़छाड़ सब कुछ जारी रहता, घर के अफराद के सामने भी। और इसी तरह से कौन नाजुक रिश्ता है हमारे मुआशरे में? साली और बहनवई का, साली और बहनवई। और ये हमारे मुआशरे का मजाक देखो, हमारे मुआशरे में सास से पर्दा करने का तस्वीर पाया जाता है। दामाद अपनी सास से पर्दा करता है, जो 70 साल बूढ़ी है, और जो साली है 20-25 साल, उससे न सिर्फ ये पर्दा नहीं, बल्कि उससे हंसी मजाक, छेड़छाड़, खेल तमाशा सब कुछ होता है। जाहिली तस्वुरात है ये सब। नौज़ुबिल्लाह, इसमें बेहतियाती की वजह से आज हमारे मुआशरे में ऐसे कितने वाकियात नहीं हो रहे हैं कि अल अमान वल हफीज के बसा औकात एक शख्स एक वक्त अपने निकाह में दो दो सगी बहनों को रखे हुए हैं। वल इयाज़ु बिल्लाह, नसअलुल्लाह सलामत वल आफिया। तो पर्दा सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं रिश्तेदारों से पर्दा करने की होती है, इसलिए कि हमारे घरों में आया जाया करते हैं, इनके साथ उठना बैठना होता है। मगर अफसोस है कि हमारे मुआशरे में जो इज्तिमाई गुनाह और गलतियां हम कर रहे हैं, उनमें से एक ये भी है कि हम एक ही जगह बैठकर हम ये रिश्तेदारियां जिनसे पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, इनके साथ हम बड़ी बेतकल्लुफी के साथ रहते हैं। शरीयत ने पर्दे का एक तकाजा यह भी बताया है, पर्दे का एक तकाजा यह भी बताया है कि इख्तिलात ना होने पाए, इख्तिलात ना हो, अजनबी मर्द और औरतों का इख्तिलात ना हो। इख्तिलात का मतलब जिस तरह मर्द मर्द में मिलकर बैठते हैं, औरतें औरतों में मिलकर बैठते हैं, इस तरह मर्द और औरतें, अजनबी मर्द अजनबी औरतों में इख्तिलात की कोई शक्ल नहीं होनी चाहिए। आज हमारे घरों में क्या होता है, एक दस्तरखान पे बैठते हैं, कौन बैठते हैं? देवर भी है, भावज भी है, जेठ भी है, फूफीजात बहन भी है, खालाजात बहन भी है, मामूजात बहन भी है, सब एक दस्तरखान में बैठते हैं। क्या है, सब रिश्तेदार है, भाई बहन है। याद रखना, ये जाहिली तसव्वुर है, इसी का नाम इख्तिलात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबियात रिजवानुल्लाह अलैहिन जमीआत नमाज में शरीक हुआ करती थी। सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आपने हुक्म दे रखा था कि सलाम फेरने के बाद तुम मस्जिद से वापस होने में जल्दी ना करो, और औरतों को हुक्म था सलाम फेरने के साथ तुम सब वापस हो जाओ। क्यों ये हुक्म? मर्दों से कह रहे हैं कि जरा देर से उठो, और औरतों से कहा जा रहा है जल्दी उठो। क्यों? ताकि जाते हुए रास्ते में इख्तिलात ना होने पाए। और आज देखो, हर गली कूचे में और बाजारों में हर जगह इख्तिलात ही इख्तिलात है, इख्तिलात से बचना चाहिए। इसी तरह पर्दे का एक तकाजा है, खलवत नहीं होनी चाहिए, खलवत नहीं होनी चाहिए। खलवत का मतलब क्या है कि दो अजनबी मर्द और औरत, फर्ज करो एक चचाजात भाई अपनी चचाजात बहन के साथ,
या कोई खालाजात भाई अपने खालाजात बहन साथ, मामूजात भाई मामूजात बहन के साथ, ऐसे अजनबी मर्द और औरत जिनसे निकाह हो सकता है, शादी जायज हो सकती है, खलवत नहीं होनी चाहिए, यानी किसी बंद जगह सिर्फ इन दोनों को नहीं रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यखलुन रजुल बिमरात लैसा मअहा दु महरम मिनहा, कि तुम कोई शख्स हरगिज हरगिज किसी अजनबी औरत के साथ इस हालत में खलवत में ना रहे कि उस अजनबी औरत के साथ उसका उसके अपने महारिम में से कोई ना हो। खलवत की शक्लें क्या हैं? आज देखो हमारे माशरे में गलती होती है कि बहुत सारे लोग अपनी नौजवान लड़कियों को, नौजवान बच्चियों को कुरान पढ़ाने के लिए ही सही किसी इमाम किसी आलिम के हवाले करते हैं। वो आलिम घरों में जाता है और बैठकर पढ़ाता है, एक कमरा रहता है, कमरे में सिर्फ वो पढ़ाने वाला मुदर्रिस बैठा हुआ है और वो नौजवान लड़की बैठी हुई है। मकसद नेक है और यकीनन अपनी जगह बेचारी वो लड़की भी नेक होगी और ये आलिम भी मुदर्रिस भी अपनी जगह नेक होगा, उनकी नीयतों पे कोई शुबा नहीं। लेकिन शरीयत का हुक्म है कि जहां कहीं खलवत में, खाली जगह में, तन्हाई में एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत इकट्ठा होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्ला काना थालिथुहुम अश्शैतान, ऐसी जगह तीसरा जो है शैतान जरूर आएगा, इन दो में से तीसरा जो है शैतान जरूर आएगा। क्या मतलब? नऊज़ु बिल्लाह, शैतान जो है वरगलाएगा, उकसाएगा, फुसलाएगा और मामला बिगड़ सकता है। इसीलिए आप किसी भी मौलवी साहब, कैसे भी मौलवी साहब हो, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, लेकिन याद रखना अपनी नौजवान बच्चियों को कुरान पढ़ने के लिए सही किसी कमरे में तन्हाई में, तन्हाई के आलम में बिठाना नहीं। हाँ, आप अगर पढ़ाना चाह रहे हैं पर्दे में बिठाकर, ऐसी सूरत में खलवत को खत्म करो। आप अपनी बच्ची को पर्दे के साथ बिठाएं, उसके साथ उसके भाई को भी बिठा दो साथ में, ताकि खलवत ना होने पाए। खलवत की एक शक्ल यह भी हो सकती है कि कोई खातून किसी कार में सफर कर रही है मसलन, और कार के गिलास चारों तरफ से बंद है, कार का ड्राइवर है और बस वो एक खातून बैठी हुई है, खलवत है ये, नाजायज है ये शरान। चारों तरफ से गिलास बंद है और कार के अंदर सिर्फ वो खातून है और ड्राइवर है, खलवत है ये, नाजायज है। इसी तरह से खलवत की एक शक्ल यह भी होती है कि कोई डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर है और उसके पास दिखाने के लिए हम जाते हैं, नाजायज है हमारे लिए कि हम इस तरह खलवत में हो कि अंदर सिर्फ वो डॉक्टर नहीं हो और हम हो जो मरीज के हिस्से से गए हैं। या मामला उल्टा भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर है और उसके पास जो है तशखीस के लिए गई हुई कोई लेडी हमारी मुसलमान औरतों में से, और नाजायज है कि अंदर सिर्फ वो डॉक्टर रहे और वो लेडी रहे, नाजायज है। सबसे पहले कोशिश तो इस बात की करनी चाहिए जो लेडीज है वो लेडी डॉक्टर ही के पास जाएं, तलाश करके ही सही, और जो जेंट्स हैं वो जेंट्स डॉक्टर के पास ही जाएं, तलाश करके ही सही। और कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जाना पड़ जाता है, मजबूरी की सूरत हाल होती है, वहां इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खलवत ना होने पाए, खलवत ना होने पाए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से मुआशरे में खलवत की जो शक्लें हैं उनमें से एक शक्ल ये भी, मसलन आप लिफ्ट में मसलन चढ़ना चाह रहे हैं, आप मसलन लिफ्ट में चढ़ना चाह रहे हैं, आपने देखा लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला सिर्फ एक लेडी है लिफ्ट के अंदर, सिर्फ एक खातून खड़ी हुई है, ऐसे में हम भी चले जाएं, ऐसे में खलवत हो जाएगी, नाजायज है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का एक अहम तकाजा यह बताया है कि किसी अजनबी मर्द और औरत की खलवत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मुकाम पर तन्हाई में ये सिर्फ दो हों, इसलिए कि उससे शैतान दखल अंदाजी करेगा, शैतान इन रास्तों से, चोर रास्तों से दाखिल होगा। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये बेहिजाबी का फितना, बेपर्दगी का फितना, ये उरियानियत का फितना, ये नंगेपन का फितना आम हो रहा है। हया रुखसत हो रही है, शर्म रुखसत हो रही है, हमारी लड़कियां नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह बेपर्दगी में फख्र महसूस कर रही हैं। ये दरअसल घर का जो जिम्मेदार होता है, घर का जो सरपरस्त होता है, उसकी गैर जिम्मेदाराना तरबियत का नतीजा है। याद रखना उसी घर की खवातीन बेपर्दा होती हैं जिस घर का मर्द ढीला हो, जिस घर का मर्द बेशरम हो, जिस घर का सरपरस्त बेहया हो, जिस घर का मर्द मजबूत हो, जिस घर का सरपरस्त दीनदार हो, जिम्मेदार हो,
उस घर की खवातीन कभी बेहया नहीं हो सकती, बेपर्दा नहीं हो सकती। अकबर इलाहाबादी ने क्या ही खूब कहा, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गीरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। तो आज मुआशरे में जो रियानियत और बेपर्दगी फैली हुई है उसके काफी हद तक जिम्मेदार हम मर्द हैं। भाई होने की हैसियत से मैं जिम्मेदार हूं अगर मेरी बहन बेपर्दा निकलती है, शोहर होने की हैसियत से मैं जिम्मेदार हूं अगर मेरी बीवी बेपर्दा निकलती है, बाप होने की हैसियत से मैं जिम्मेदार हूं अगर मेरी बेटी बेपर्दा निकलती है। न सिर्फ जिम्मेदार बल्कि हम सब गुनहगार भी हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बीवियां बेपर्दगी का इजहार करती, बेपर्दा होकर निकलती हैं तो उनके गुनाह में यकीनन हम भी उनके साथ शरीक होंगे। आज यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है अहले ईमान के लिए, मोमिन ख्वातीन के लिए, जैसे कि आज कल्चर के नाम पर, तहजीब के नाम पर औरत को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला जा रहा है, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, और जिंदगी के हर शोबे में औरत को मर्द के दोष बदोश कदम ब कदम मिला के लाखड़ा किया जा रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज मोमिन औरतों के लिए भी है और ये चैलेंज मोमिन मर्दों के लिए भी है। मोमिन औरतों के लिए चैलेंज है अपनी इज्जत और नामोस की हिफाजत करें, और आजादी निस्वा के जो झूठे प्रोपगंडे हो रहे हैं, हुकूक़ निस्वा की जो तंजीमें बन रही हैं, इनके झूठे मकरो फरेब से अपने आप को बचाए रखें हमारी मोमिन ख़वातीन। और मर्दों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, आज हर कदम जिधर जाओ उधर औरत ही औरत, हर रिसेप्शन में जाओ औरत, बस में टिकट लेने के लिए कंडक्टर औरत, हर गली कोचे में औरत, हर जगह औरत। बहुत बड़ा चैलेंज है, फितना है, कदम कदम पर फितने हैं। अपने ईमान की हिफाजत करना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, अपनी अमानतदारी की हिफाजत करना, ये हर मोमिन मर्द और औरत की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में इस चैलेंज को हमें कबूल करना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद और तौफीक मांगनी चाहिए कि फितनों के इस माहौल में रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको ये हौसला और ये हिम्मत अदा करें कि हम हालात का मोमिनाना जुरत से मुकाबला कर सकें और इस अपनी इज्जत और नामोस पे, अपनी जवानी पे दाग आने ना दें। ये मोमिनाना तर्ज ज़िंदगी होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से तौफीक मांगें, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होगी तो कोई काम नामुमकिन नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं। रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को इन बातों की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।